स्टूडेंट्स के एग्जाम स्ट्रेस के बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे बच्चे अभी स्ट्रेस में हैं क्योंकि अभी एग्जाम के दिन चालू है, लोग अलग अलग एग्जाम्स दे रहे हैं। उनके साथ साथ उनके पालक पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रेस में हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के बाद में फिर वो हमारे तरफ लेके आते हैं कि भाई बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई हो नहीं रही है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन है, भूल जा रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है कि अभी उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर हो जाता है, और नहीं तो फिर जितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि वो फ्रीज हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, अभी एकदम बंद, सब कुछ बंद करके बैठा हुआ है। स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही है, या स्ट्रेस की वजह से बहुत लोगों को नींद आती है, या फिर ज़्यादा खाना खा रहा है स्ट्रेस है, या कम खाना खा रहा है वजन कम हो रहा है, मतलब स्ट्रेस इतना ज़्यादा है तो अभी वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिजल्ट चाहिए। जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें आपको रिजल्ट चाहिए, अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब उसके लिए क्या करना है, उसके बारे में मैं आज बातचीत कर रहा हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि आप ये देखो कि आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, वो आपका पक्का होना जरूरी है कि मुझे वो करना है। हो सकता है कि आपका डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, फैशन डिजाइनर होगा, या पुलिस ऑफिसर होगा, या मिलिट्री ज्वाइन करना होगा, जो भी कुछ आपको करना है, या एक्टर बनना होगा, जो भी कुछ करने का है, कि भाई आपका गोल क्लियर है कि मुझे वो करना है और उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो गोल को विजुअलाइज करो। वो गोल जो है कि जो मुझे बनना है वो मैं बन चुका हूँ, ऐसा अपने आप को विजुअलाइज करके उसका चित्र निकाल के सामने लगा लो कि मुझे तो वो करना है। तो जो भी मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, वो आखिर उसके लिए है। तो आपका ड्रीम पक्का है, वो आपको विजुअलाइज रोज कर रहे हैं, उसके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, और रोज वो सेल्फ हिप्नोटिक ट्रांस में या सेल्फ हिप्नोसिस में करने का है। तो इसका मतलब यह है कि सेकंड टिप जो है मेरी कि वो आपने रोज सेल्फ हिप्नोसिस करना है। सेल्फ हिप्नोसिस के मेरे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और सेल्फ हिप्नोटाइज करके आपने विजुअलाइज करना है आपका गोल क्या है, और वो गोल विजुअलाइज करके कम से कम 10 मिनट आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। नंबर तीन, तीसरी टिप, अभी ये रिलैक्सेशन में आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन मतलब आत्म सुझाव, सकारात्मक आत्म सुझाव, और वो कौन से हो सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, मैं बहुत पीसफुल अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत उत्साह आ रहा है, जोश है, और मैं बहुत जोश उत्साह से मैं मेरी पढ़ाई कर रहा हूँ, जो जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे पूरा मैं याद रखने वाला हूँ और मुझे पूरा याद आएगा, मैं अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, मेरा मन बहुत शांत और रिलैक्स है, मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और मैं आत्मविश्वास से पढ़ाई कर रहा हूँ और एग्ज़ाम देने वाला हूँ, मुझे बहुत खुशियाँ हैं, खुशियाँ मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत जोशीला हूँ। तो ऐसे आत्म सुझाव आप 10 मिनट के सम्मोहन में आप आत्म सुझाव भी देंगे, अपना जो गोल है उसको विजुअलाइज भी करेंगे। 10 मिनट आपने देना है सुबह शाम। आपको लगेगा 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए, मेरे पास में टाइम नहीं है, मगर ये आप 10 मिनट देंगे ना, आप दिन भर बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। चौथी टिप, आप रोज क्या काम करने वाले, मतलब कौन सी पढ़ाई करने वाले हैं, उसका प्लानिंग करो। रोज का सुबह उठ के प्लानिंग किया, मैं आज दिन भर ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, और वो सुबह नहीं करना है, 7 दिन का पहले प्लानिंग कर लो, और 7 दिन के प्लानिंग में से अभी आज क्या करने वाला हूँ वो निकालो और वो प्लान करो, और उसको आधे आधे घंटे के स्लॉट में उसको डिवाइड करो, और वो टाइम के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, और पढ़ाई कितनी करना है दिन में, तो वो गोल ओरिएंटेड पढ़ाई होना कि मैं मुझे आज जब मैं सोने के लिए बेड पे जाऊंगा तो मेरी इतनी इतनी पढ़ाई हो चुकी होंगी। क्योंकि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो उसको महत्व नहीं है, कितनी पढ़ाई करते हैं और वो आपको याद आता कि नहीं आता, जो पढ़ाई करते हो आप रिप्रोड्यूस कर सकते कि नहीं, क्योंकि एग्जाम क्या है, एग्जाम है रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट यू नो, तो वो आप कर सकते कि नहीं है। तो आप पढ़ाई में भी अलग मेरे वीडियोज है कि भाई पढ़ाई कैसे करना, मगर पढ़ाई आप जो करते हैं वो रिप्रोडक्शन करने का है, पढ़ाई का रिक्रिएट कर सकना चाहिए आपने। तो वो आपने देखना है कि डेली मेरा टास्क कौन सा है, डेली में पढ़ाई कितनी करने वाला हूँ, और वो अगेंस्ट टाइम मैच करना है, और घंटे पढ़ाई नहीं करना है, मतलब घंटे तो पढ़ाई करना है, मतलब मैं 2 घंटे पढ़ाई किया, 4 घंटे, ऐसा गिनने का नहीं, मैंने कितनी पढ़ाई किया है वो गिनने का है और वो देखने का है। नेक्स्ट, आप अपने आप को आप रिवार्ड दो, बख्शिश दो, अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो कि मैंने आज इतनी इतनी पढ़ाई किया, शाम को अपने आप को एक्नॉलेज करो, पीठ तब अपने आप की कुछ अपने आप को रिवार्ड दो कि नहीं मैं इतनी पढ़ाई यदि करूंगा तो मैं आज शाम को 15 मिनट तक मैं टीवी देखूंगा,
या 15 मिनट मेरे दोस्तों से बातचीत करूंगा, या फलाना फलाना चॉकलेट लूंगा, या जो आपको लगता है चॉकलेट या आइसक्रीम, जो भी टेस्ट आपको है वो आइसक्रीम लूंगा, जो भी है। तो आप अपने आप को रिवार्ड कर रहे हैं कि भाई मैंने इतना टास्क पूरा किया तो मैं अपने आप को रिवार्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आपने बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रखने का है अपने आप को कि मेरे मार्क्स कितने पड़ेंगे, मार्क्स कितने आएंगे, मार्क्स कितने आएंगे। वो यदि आप दिमाग में रखते हैं और वहाँ से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना सकते हो। मार्क्स कितने आएंगे पता नहीं, मार्क्स कितने आएंगे, मुझे आज क्या करना है, मुझे आज सिर्फ पढ़ाई करना है। तो मेरा कमिटमेंट क्या है, मेरा कमिटमेंट है कि मैंने आज जो भी टास्क मेरे सामने रखा हुआ है, जितनी भी पढ़ाई है वो मैंने आज पूरी करनी है, वो मेरा आज का कमिटमेंट है। क्योंकि मैं आज जो भी काम करूंगा, जो भी पढ़ाई करूंगा, जो भी मैं मेरा कमिटमेंट है वो पूरा करूंगा, डेफिनेटली मुझे जो रिजल्ट मिलना है वो बाद में मिलने वाला है। तो सोचना रिजल्ट की नहीं है, सोचना है आज के काम की, कि आज मेरा कितना काम होगा, कितनी पढ़ाई होगी, कितना कमिटमेंट होगा। तो रिजल्ट को अटैच न रखते हुए, खुद को अटैच रखना नहीं, रिजल्ट को, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, एडमिशन मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो नहीं सोचते हुए, सोचना क्या है कि आज मैं कितना काम करूंगा, कितनी पढ़ाई करूंगा। नेक्स्ट, अपना जो टाइम है वो सोशल मीडिया के ऊपर देना ही नहीं है, बिल्कुल। अभी पढ़ाई के दिन समझो है तो बिल्कुल ही नहीं है। सोशल मीडिया में टाइम पास करना टोटल डिस्ट्रैक्शन आपका हो रहा है। आपने बीच बीच में 5-5 मिनट भी खोल के रखा और नहीं, टोटल आपने समझो 20 मिनट देखा दिन भर में, मगर वो 2-2 मिनट के अंतर से, मतलब 2-2 मिनट एक समय देखा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होने वाला है, आपको बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। एक काम करो, दिन में ठहरा लो कि 15 मिनट में सोशल मीडिया के ऊपर रहूँगा, बस उतना ही फिक्स, बाकी नहीं, ताकि वो डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई में होंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आप ज़्यादा से ज़्यादा टीवी सोशल मीडिया मिला के आप दे रहे हो। फिर रात हो गई, सोने का समय है, उस समय एक फीडबैक खुद को, अपने आप को दो, एक्नॉलेज करो आपने दिन में क्या किया क्या नहीं किया। तो उसमें देखो कि मैंने आज जो किया वो मैंने कौन सी चीज़ें मैंने कंटिन्यू करना है रोज, कि जो वर्क कर रही थी तो व्हाट वर्क्ड, जो क्या किया मैंने जिससे फायदा हो गया आज तो वो कंटिन्यू करूँगा मैं, कौन सी चीज़ें मैंने करना बंद करना चाहिए, मतलब जो मैंने नहीं करना चाहिए वो मैंने आज किया, तो कौन सी चीज़ें मैंने स्टॉप करना चाहिए, बंद करना चाहिए, और तीसरा कौन सी नई चीज़ें मैंने करना चाहिए जिससे मेरे को फायदा होगा। सो व्हाट आई विल कंटिन्यू टू डू, व्हाट आई शुड स्टॉप डूइंग इट, एंड व्हाट न्यू थिंग्स आई शुड डू। तो यदि आप करते तो अपने आप को फीडबैक दे सकते हैं कि मैंने आज क्या वर्क हो गया मेरा, आज क्या वर्क नहीं हुआ, और वर्क नहीं हुआ तो उसके लिए क्या करना है, वर्क हो गया तो वो रिपीट करने का है, और नई बात या नई चीज़ कौन सी करनी है। अभी डिस्ट्रैक्शन का समय नहीं है, खुद को डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल करने का नहीं है। मोबाइल तो बिल्कुल बंद कर देने का है, मोबाइल फेंक दो, मोबाइल अपने पास में रखना ही नहीं है। टीवी नहीं है, नो सोशल मीडिया, नो इंटरनेट, कुछ भी नहीं है, ना दोस्त ना कुछ। जब आप अभी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप जा रहे जंग के ऊपर, तो फिर तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। मगर हरदम ये रखना है कि टेंस आदमी पढ़ाई कर रहा है, बहुत टेंशन वाला आदमी पढ़ाई कर रहा है तो उसकी पढ़ाई कैसी होगी, और बहुत रिलैक्स आदमी पढ़ाई कर रहा है तो उसकी पढ़ाई कैसी होगी। डेफिनेटली नेचुरली जवाब ये है कि बहुत ही रिलैक्स है, कूल आदमी पढ़ाई कर रहा है, कूल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त होंगी। तो आपने क्या करना है कि आज मेरा जो है काम कौन सा है, आज मुझे कौन सी पढ़ाई करनी की है, तो बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, आज का मेरा टारगेट क्या है वो तय करके उसके ऊपर काम करना है, और एक्चुअली मैं कितना रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, क्योंकि कितना रिक्रिएट कर सकता हूँ जो भी पढ़ा है वो आप शाम को देखने का है। और वो यदि आप करते हैं डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। एक आपने काम करना है, नींद तो पक्की होनी चाहिए, नींद 6 से 8 घंटे अपने अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर है, तभी भी नींद को कॉम्प्रोमाइज मत करो। खाना पीना टाइम पे, बिल्कुल ही खाना समय समय पे खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं है, बाहर का खाना खाने का नहीं है, एकदम सादा खाना खाने का है जो एकदम अपने आप को सूट करता है आपको। जैसा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत मीठा खा रहे हैं, बहुत नॉनवेज खा रहे हैं, बहुत जंक फूड खा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल करने का नहीं है। कोई आदतें होंगी, आदत बिल्कुल बंद खाने पीने की, बाकी तंबाकू पान गुटखा बंद, वो भी करने का नहीं है। और अच्छी नींद, टाइम पे खाना यदि आप वो करते हैं, और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज रोज, सेल्फ हिप्नोसिस, मुझे पक्का विश्वास है कि आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा होगा, जो भी ड्रीम है वो पूरा होगा। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स को, उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, और धन्यवाद आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।